40 दिन तक रहते को कल 5 करते वहाँ रुद्राष्टाध्याय का पाठ भी महत्वपूर्ण है, महिम्न सूत्र का पाठ भी महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कालाष्टक का पाठ कहा गया। चौथा ज्योतिर्लिंग दक्षिण में रामेश्वरम को माना गया है। रामेश्वरम के आगे भारतवर्ष है नहीं, उसके बाद तो समुद्र है, और रामेश्वरम से 22 किलोमीटर दूर लंका नगरी बसी हुई है जो रावण की नगरी कही जाती थी। वहां से केवल 22 मील ही दूर रह जाती है। 22 मील अगर समुद्र की यात्रा आप कर लें तो शिलोन पहुंच सकते हैं, जिसको आज उसमें लंका कहते थे, आज उसको शिलोन कहते हैं, उसकी राजधानी। और वहां से जहाज जाते हैं। जब भगवान राम रावण विजय प्राप्त करने के लिए, सीता को प्राप्त करने के लिए जब चढ़ाई की, तो पूर्ण विजय की कामना के लिए बालू मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना की, और राम द्वारा पूजा अर्चना होने की वजह से राम ईश्वर रामेश्वर नाम उनका पड़ा। यह शिवलिंग पूर्णतः बालू मिट्टी से बना हुआ है, और यह एकमात्र शिवलिंग बालू मिट्टी से बना हुआ है जिसके ऊपर चांदी का और सोने का पत्रा चढ़ा हुआ है, और सोने के पत्रे के अंदर बालू मिट्टी भरी हुई है। मूलतः राम ने तो समुद्र की उस बालू को लेकर के उस शिवलिंग की स्थापना की। यह मंदिर अपने आप में इतना बड़ा है कि आधा मील लंबा और आधा मील चौड़ा है। आप कल्पना करें, आधा मील इतना लंबा चौड़ा मंदिर है, और इनके दर्शन अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण माने गए। यहां पर एक विशेषता देखने को मिलेगी कि आप पूरे भारतवर्ष में चले जाएं, चाहे आप मद्रास का समुद्र किनारा देख लें, चाहे मुंबई का समुद्र का किनारा देख लें, चाहे आप कन्याकुमारी का समुद्र का किनारा देख लें, प्रत्येक स्थान पर आपको ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई देंगी, मगर रामेश्वरम के समुद्र में लहर उठती ही नहीं। यह पहली विशेषता। वहां पर समुद्र ठीक वैसा दिखाई देता है जैसा तालाब हो, तालाब में तो फिर भी लहर बनती है, उस समुद्र तट पर लहर ही नहीं बनती। इससे विशेष, इससे महसूस होता है कि उस समुद्र को भगवान राम ने जरूर बांधा होगा, क्योंकि उस समुद्र को बांध दिया था नल और नील ने, और बांध करके उसके ऊपर से रावण की विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम की सेना प्रयाण की थी। इसलिए ऐसा लगता है कि वास्तव में समुद्र को बांध दिया है, कोई लहर ही नहीं उठती, बिल्कुल सीधी सपाट पानी की धारा है। और रामेश्वरम मंदिर से केवल 200-300 कदम पर ही समुद्र है। पहले कहते थे कि यह मंदिर के शिवलिंग के पास में से समुद्र था, मगर अब करीब 500-600 कदम दूर समुद्र सर गया। उस समुद्र की एक तो यह विशेषता है। दूसरा, इस रामेश्वरम मंदिर की जो परिक्रमा है आधे मील की, उस परिक्रमा में 52 कुएं बने हुए हैं, 52 कुएं बने हुए हैं। और सीता ने कहा कि मैं वापस जब लौटे तो सूक्ष्म रूप में सीता और राम अयोध्या जाने से पहले रामेश्वरम पहुंचे, अन्यथा तो विभीषण ने जो पुष्प प्रमाण दिया था उसमें बैठ करके अयोध्या पहुंचे थे। मगर पौराणिक आख्यान, वाल्मीकि रामायण के आख्यान के अनुसार राम ने कहा कि मैं तुम्हें इसलिए प्राप्त कर सका कि मैंने भगवान रामेश्वरम की स्थापना की थी। तो सीता ने कहा कि मैं उनके दर्शन करके ही वापिस राजगद्दी पर आपके साथ सुशोभित होंगी। तो राम ने उनको सूक्ष्म रूप में वहां लाए। तो सीता ने कहा कि मैं म्लेच्छ के यहाँ, म्लेच्छ नगरी में रही हुई हूँ, इसलिए मैं पवित्र होकर के ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करूंगी। तब राम ने विशेष मंत्रों से 52 तीर्थों का जल उन 52 कुंडों में या 52 कुओं में डाला गया, गंगा का भी, यमुना का भी, सिंधु, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, 52 नदियों का जल उसमें डाला गया। इसलिए भक्त लोग उन 52 कुओं में स्नान करते हैं,
और वहाँ आप 5 रुपए दें तो वहाँ का फंडा 52 कूपों में ले जाके आपको स्नान करा करके ले आएगा, क्योंकि वहाँ लोग खड़े हैं, आप गए और आपने उसको बाल्टी डाली, फिर उसको फंडा दूध देके ले जाएगा वहाँ और बाल्टी डाली, वहाँ बाल्टी वाले तैयार रहते हैं और उनके पैसे बंधे हुए हैं और आप देखते हुए चलते रहें, वो 52 जल डालते रहेंगे आपको धड़ धड़ करते हुए, आधे घंटे में तो पूरे 52 तीर्थों का स्नान करा करके रामेश्वर मंदिर से ले आते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा दुख देखने की जरूरत नहीं है, आप गए और वो बाल्टी लिए तैयार रहते हैं, जैसे कोई पंछी आया बटनी फंसा यूँ समझ गए और फिर धड़ से डाल देंगे, ये देखेंगे सिर पर पड़ रहा है कंधे पर पड़ रहा है, क्योंकि भीड़ रहती है पीछे, डाल दिया फिर आपको पंडा पकड़ के आगे ले जाएगा, कुछ पता ही नहीं पड़ता कहाँ से ले जा रहा है, वो तो पूरी परिक्रमा टाइप है अंधेरे गुफा की तरह। फिर हम लोगों ने भी स्नान किया, क्यों पत्नी ने कहा कि यहाँ आए तो 52 नदियों का एक साथ स्नान कर लें, मैंने कहा यहाँ होगा जिसमें होगा, अब तो कुछ है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान राम ने यहाँ सब मंत्रों से लाए, चलो भाई मैंने कहा तुम कर ले, मुझे करने की जिंदगी नहीं, आप ही करेंगे। तो हमने भी वो स्नान किया, मगर उसमें कोई असुविधा जैसी बात नहीं है, यदि आपको 52 नदियों का स्नान एक साथ करना है, और वास्तव में ही पौराणिक आख्यान हम उस आधार उस विश्वास उस शक्ति को लेकर के चले, हमने कहा तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, और अगर मन आपका चंगा नहीं है तो गंगा के अंदर स्नान करने से भी गंगा के किनारे रहने वाले हरिद्वार में रहने वाले तो वहाँ मल विसर्जन करते हैं, कट्टी जाने के लिए कोई स्थान नहीं है, गंगा में बैठे कट्टी गए और वापस आ जाते हैं, पूरी द्वार हरिद्वार के रहने वाले ऐसा ही करते हैं, और हम जाते हैं श्रद्धा युक्त आँख बनते हर हर गंगे करते हुए स्नान करते हैं, श्रद्धा की बात है भावनाओं की बात है, मगर वहाँ पर 52 कूपों की ऐसी विशेषता है और स्नान करने के बाद फिर भगवान शंकर के दर्शन किए जाते हैं, और वहाँ पर अब ये 2 साल या 8-10 साल से ऐसी व्यवस्था है कि यदि आप 5 रुपये देते हैं तो दूर से वहाँ चढ़ा सकते हैं, यदि 11 देते हैं तो माला चढ़ा सकते हैं, और 101 देते हैं तो आप स्वयं पूजा अर्चना कर सकते हैं, ऐसा पंडों की तरफ से व्यवस्था कर दी गई है, मगर जाना चाहिए तो स्वयं अपने हाथों से पूजा अर्चना करनी चाहिए, 101 रुपये जैसे व्यवस्था करके जाना चाहिए, मगर अपने हाथों से पूजा अर्चना होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वहाँ पंडे हैं और वे 5 रुपये लेकर के रुद्राष्टाध्याय का पूरा पाठ आपके लिए कर लेते हैं, यदि आपको खुद को ज्ञान है तो रुद्राष्टाध्याय का पाठ करें, उनका पंडे से 5 रुपये का पाठ करवा देना चाहिए, 11 रुपये का भी पाठ करते हैं और 5 रुपये का भी करते हैं, 5 रुपये में सीधा साधा पाठ करते हैं और 11 रुपये में वो 5 अध्याय को 11 बार पाठ करके लंका शंका जिसको कहते हैं उस प्रकार से पाठ करते हैं, उनको अभ्यास है, वो तो 1.5 घंटे में 1 घंटे में पाठ करते हैं, मगर जाएं तो ऐसा पाठ करवा देना चाहिए, और आप खुद को ज्ञान है तो सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, वहाँ सुबह 5 बजे जल्दी मणि के दर्शन करवाते हैं और कहते हैं कि यह मणि भगवान शंकर के ललाट का तेज बिंदु है, मूल रूप से कोई हीरा है तो उस हीरे के दर्शन सुबह 5 बजे कराते हैं और लोग जाते हैं और सुबह उसके दर्शन करते हैं, 2 रुपये उसके दर्शन की फीस, 2 रुपये देकर के टिकट लेकर के फिर अंदर जाना होता है और फिर उसके मणि के दर्शन होते हैं, फिर सुबह मंगल आरती होती है और दिन भर में 5 आरतियाँ उसकी होती हैं भगवान रामेश्वर की। यह तो आधुनिक व्यवस्था है, वह भी मैं आपको समझा दूँ जिससे आपको ध्यान रहे, क्योंकि कई लोग वहाँ जाकर के दर्शन करके वापिस आते हैं और जब घर में आते हैं तो लोग कहते हैं कि आपने भगवान शिव की मणि के दर्शन किए, अरे तब तो बेकार हो गया जाना, खास तो वही है रामेश्वर के दर्शन को खास नहीं है, मणि के दर्शन खास है, और मन में ग्लानि होती है गए भी और ये भूल गए, और गुरु जी ने पूरी शिव साधना भी हमने की ये बताया ही नहीं, ये बता देते तो तकलीफ क्यों, इसलिए आपको पहले से बता देता हूँ कि 5 बजे मणि के दर्शन होते हैं और आपको शाम को टिकट लेना पड़ेगा, सुबह तो टिकट मिलेंगे नहीं और पंडे बिना टिकट के आने देते नहीं, तो शाम को 2 रुपये जमा करके टिकट लेना चाहिए, सुबह जाकर दर्शन कर लेना चाहिए, उस मणि को दूर से दर्शन करवाते हैं और फिर आपको आरती में भाग लेना चाहिए। उसकी विशेषता, समुद्र का जल लाकर के रामेश्वरम पर चढ़ाया जाता है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता जो शिव पुराण में भी उल्लेखित है कि गंगोत्री का जल लाकर के यदि रामेश्वरम पर चढ़ाया जाए उसके समान पुण्य इस पृथ्वी पर कुछ और नहीं है। गंगोत्री आई हुई है उत्तर प्रदेश में, जहाँ गंगा का पहला उद्गम है, जहाँ गंगा पहली बार बनी है,
पहाड़ से उतरी है उसको गंगा उत्तरी या गंगोत्तरी कहते हैं। गंगोत्तरी का अर्थ है पहली बार पहाड़ से जिसको उतरी है गंगा उत्तरी, उसको समास में गंगोत्तरी कहते हैं। उसका जल लेकर के और यदि रामेश्वरम में चढ़ाया जाए तो उसके समान पुण्य इस पक्षी पर कुछ नहीं है। तो जो गंगोत्री का दर्शन करने जाते हैं वे दिव्य में बंद करके गंगा जल लेके आते हैं, फिर अपने घर में रख देते हैं। जब भी अवसर मिलता है रामेश्वरम में जाकर का जाने का, तब जाकर के गंगा के जल को रामेश्वर पर चढ़ाया जाता है। वहां पर भी बाहर दो दो रुपए में गंगोत्री का जल मिलता है, मगर वो समुद्र का पानी होता है, गंगोत्री का जल होता नहीं। मगर यदि आप वो दो रुपये पाँच मिनट ठगना चाहें तो इस पर ठग सकते हैं अपने आप को। वो जल लेकर और मान लीजिए गंगा का जल है और डाल दीजिए रामेश्वरम पर, मगर वो होता समुद्र का जल है या नल का पानी होता है सही। तो आप स्वयं ये तो ऐसा बनाया इसलिए गया था कि आप उस पूरी खेत ऊपर से लगा करके दक्षिण तक आप जा सकें, पूरी यात्रा कर सकें। उसमें पैदल यात्राएं होती थी तो पूरा भारत दर्शन हो सके, ये मान्यता बनाई गई होगी। मगर फिर भी इसमें कोई दूरा नहीं कि सैकड़ों हजारों भक्त लोग इस प्रकार से गंगोत्री का जल ला सके भगवान विश्वनाथ पर। और गंगोत्री का जल केवल विश्वनाथ पर, विश्वनाथ क्या रामेश्वरम पर चढ़ाने का ही महत्व है और किसी ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने का महत्व नहीं है, ये और बात बता देते। रामेश्वरम मंदिर की एक और विशेषता है कि रामेश्वरम पर चढ़ाया हुआ निर्माल्य, रामेश्वरम पर चढ़ाई हुई कोई सामग्री चाहे पुष्प हो चाहे कुछ भी हो, यदि उसको वापस धारण किया जाता है तो इसमें कोई दौरानिक मन को अपूर्व शांति प्राप्त होती है। दिन भर आदमी बड़ा मस्त सा रहता है और बड़ी मानसिक शांति मेंटल पीस उसको मिलती है। दूसरा ऐसा कहा जाता है कि यदि विजया भांग को घोट करके और रामेश्वरम पर चढ़ाई जाए और उसको वापस बाण पर से होती हुई जो नीचे गिरती है उसको वापस पात्र में लिया जाए और उसका सेवन किया जाए तो कुछ दिनों में आंख के रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, नेत्र रोग समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि रामेश्वरम को त्रिनेत्राय कहा गया है, इसलिए नेत्र रोगियों के लिए रामेश्वरम, कई अंधे इस प्रकार से वहां आपको देखने को मिलेंगे और इसका महत्व है। इसके अलावा रामेश्वरम में वहां का जल समुद्र का जल लाकर के भी आप स्वयं पंडे के द्वारा चढ़वा सकते हैं। आप खुद को तो मूल मंदिर में जाने देते नहीं मगर आपके सामने वे जल चढ़ा देते हैं और यह भी अपने आप में महत्व है। रामेश्वरम पर चांदी का पात्र चढ़ाने का भी शास्त्रों में वर्णन है, जो पुराण में वर्णन है कि रजत पात्र या रजत की गिलास, चांदी की गिलास, चांदी की कटोरी कुछ भी भगवान शिव को अर्पण करनी चाहिए, इससे भव बंधन मुक्त हो जाता है। संसार के जो बंधन हैं, पूर्व जन्म के जो पाप हैं, वे दूर हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। तो ऐसा छोटी कटोरी एक तोले की, आधे तोले की, एक किलो की, दस किलो की, ऐसा मान्यता हो, विश्वास हो, ऐसा चढ़ाना चाहिए। मगर यह ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी भगवान राम ने जिसकी पूजा की हो, भगवान राम के द्वारा स्थापित हो, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है और वास्तव में उसके दर्शन करने से मन को अत्यधिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। जब भी दक्षिण की तरफ जाने का विचार बने तो मद्रास से सीधी गाड़ी, मद्रास तक आपको जाना होता है, मद्रास से गाड़ी बदलनी पड़ती है और मद्रास से सीधी गाड़ी रामेश्वरम जाती है। मार्ग में आप रुक जाएं और मदुरई के दर्शन कर लें, मदुरई का मंदिर भी अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, रामेश्वरम और मद्रास के बीच में आया हुआ है, वहां पर आप दर्शन करें या रामेश्वरम से वापस मदुरई पहुंचे ट्रेन से और मदुरई से सीधी बस कन्याकुमारी जाती है, तो वहां से कन्याकुमारी भी आप जा सकते हैं।
कन्याकुमारी ऐसा स्थान है जहां पर दो बार सूर्योदय होता है, वह अकेला एक स्थान है जहां दूसरी बार सूर्योदय होता है। लोग सुबह आप देखेंगे तो पूरा कन्याकुमारी छतों पर लोग खड़े होंगे, आपको सुबह 5-5:30 बजे पूरा कन्याकुमारी खड़ा हो जाता है उस सूर्योदय को देखने के लिए। और तीन समुद्र उस स्थान पर मिलते हैं, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी में तीन समुद्र जरूर मिलते हैं वहां पर, और तीनों प्रकार की रेत आपको देखने को मिलती है। प्रत्येक समुद्र के अलग अलग प्रकार, एक लाल रेत है, एक नीली रेत है, एक सफेद रेत है। वहीं पर विवेकानंद का स्मारक है, विवेकानंद शिला, जहां विवेकानंद ने पहले बार ध्यानस्थ हुए थे, समुद्र के बीच में आई हुई है, कन्याकुमारी से करीब 12 किलोमीटर दूर। और वह भी स्थान बहुत अधिक देखने लायक है, करीब 40-50 लाख रुपए लगा करके उस स्थान को बनाया हुआ है। कन्याकुमारी इसलिए प्रसिद्ध है कि वहां पार्वती कन्या के रूप में रही और वहीं पर भगवान शिव ने उसका विवाह किया, इसलिए कन्याकुमारी नाम उसका पड़ा हुआ। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो रामेश्वरम की यात्रा करता है उसको कन्याकुमारी की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए, अन्यथा पूर्ण पुण्य प्राप्त नहीं होता। दोनों स्थानों से आप जा सकते हैं, मदुरई से भी, रामेश्वरम से सीधी बस जाती है, 12 घंटे की या 14 घंटे की यात्रा है, और अगर आप जाएं तो कन्याकुमारी के दर्शन अवश्य करें, देखने लायक स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। वहां से फिर वापिस आप मदुरई होते हुए मद्रास पहुंच सकते हैं। यह आपको मैं जरूर समझा देता हूँ जैसे कि आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, मगर मूलतः मैं ज्योतिर्लिंग की बात कर रहा था, रामेश्वरम की। और जब भी आपको दक्षिण में जाने की कभी मौका मिले तो रामेश्वर